दीक्षा का कारनामा लेकर जेठालाल जी। अरे हो, देखना अच्छे से का बारी है। देखते हैं क्या भरता है। हाँ, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बबीता, उतने कुछ सोचा ही नहीं होगा। हाँ, फिर भी देखते हैं। ये क्या है भाई, जेठालाल तो तैयार ही नहीं हुए। इंटरवल हुआ क्या? क्या ये क्या है? हाँ भाई जेठालाल, तुमने कोई वेशभूषा क्यों नहीं धारण की है? हाँ। भाई पता है ना जेठालाल, प्रोग्राम में हिस्सा लेना कंपलसरी है। हाँ? अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि जेठालाल ने कुछ सोचा ही नहीं है, इसलिए इसने कुछ वेशभूषा किया ही नहीं है। अभी रूल्स के हिसाब से जेठालाल, तुमको 1,00,000 रुपए पेनल्टी देना पड़ेगा, है ना टप्पू? हाँ, रूल तो वही है। आजा आजा भाई, नीचे आजा भिड़े, 1,00,000 का चेक ले ले। अरे 1 मिनट भाई, क्या चेक ले ले, क्यों चेक ले ले? मैंने आज के दिव्य वेशभूषा में हिस्सा लिया है। अरे जेठालाल, कैसे हिस्सा लिया है? तुम्हारा कुछ वेशभूषा तो है नहीं, क्या बने हो तुम? मैं जो बना हूँ यार भाई, उसके लिए वेशभूषा की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आज बना हूँ एक सामान्य इंसान। और सामान्य इंसान की कोई स्पेशल वेशभूषा नहीं होती, उसको तो जो भी कपड़े पहनने को मिल जाए वही उसकी वेशभूषा होती है। लेकिन जेठालाल, ये दिव्य वेशभूषा का कार्यक्रम है, अपने क्लियर का था कोई दिव्य कैरेक्टर करना है, ये आम आदमी कैसे दिव्य हो सकता है? समझाता हूँ। मेरे बापूजी ने मुझे बचपन में ही सिखाया था कि बेटा, हर सामान्य इंसान के अंदर भगवान होते हैं। वो कहते हैं ना, मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर हूं। तो इस हिसाब से भगवान आपके अंदर है, भगवान मेरे अंदर है, भगवान इनके अंदर है, ये भगवान सबके अंदर है, बराबर ना? हाँ बराबर है। बस तो फिर जिसके अंदर खुद साक्षात भगवान विराजते हो, वो दिव्य हुआ क्या नहीं? हाँ जेठालाल, वैसे देखा जाए तो हुआ। हाँ, बस तो आज मैं एक सामान्य इंसान बना। और दोस्तों, एक सच्चा सामान्य इंसान वो होता है जो अपनी सच्ची मेहनत और लगन से पैसे कमाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, बड़ों का आदर करता है, ट्रैफिक के हर नियम का पालन करता है, जो अपने देश से प्यार करता है, कभी कोई कानून नहीं तोड़ता और सबसे मिलजुल कर रहता है। तो सच्चे दिल से भला करने वाले हर इंसान में भगवान बसते हैं। एक डॉक्टर जो पेशेंट की जान बचाता है, तो पेशेंट को डॉक्टर में भगवान दिखते हैं। एक किसान जो सच्ची मेहनत और लगन से अन्न उगाता है, उसमें भगवान होते हैं। एक सैनिक जो दुश्मन की गोलियों से हमारी रक्षा करता है, उसमें भी भगवान होते हैं। क्या बात है? तो निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करने वाला सामान्य इंसान सामान्य नहीं होता, दिव्य होता है। और ये सामान्य इंसान के हाथों में कोई दिव्य शस्त्र नहीं होता, उसका कोई दैवी वाहन नहीं होता, उसके सर पे कोई दिव्य मुकुट नहीं होता, और उसके शरीर पे कोई दिव्य आभूषण नहीं होता। वो तो
ऐसा ही दिखता है, ऐसे ही कपड़े पहनता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भगवान विराजते हैं। और इसीलिए दोस्तों, आज के इस दिव्य वेशभूषा के कार्यक्रम में मेरी यही दिव्य वेशभूषा है। जेठालाल वाह, अप्रतिम। हाँ जेठिया वाह, क्या कमाल का सोचा है तुमने, शाबाश। हाँ क्या जेठालाल वाह, कितना उम्दा विचार है, एकदम सुंदर, जो किसी ने सोचा भी नहीं। थैंक यू अर्षद भाई, शाबाश शाबाश। कमाल कर दिया जेठालाल, मैं इससे बड़ी आइडिया दे ही नहीं सकता था भाई। अभी क्या हो, आपने वही आपने मदद नहीं की तो क्या मरता क्या ना करता। लेकिन क्या कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। तो अब आ रहे हैं आप सबके दोस्त, सबके साथी, डॉक्टर हाथी। बुद्धा कहो या होता ही, मेरे अलग अलग नाम है, हंसना हंसाना यही मेरा काम है, तो हंसो। आप लोगों को लगता होगा मैं कोई बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो बताने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गंभीरता का चोंगा उतार फेंको, खुश रहना है तो हंसना सीखो, मुंह लटकाकर दुखड़ा रोने से ठेंगा मिलेगा, मुंह खोल के हंसो, दिल खोल के हंसो, जोर जोर से हंसो, जब तक जीना भर जाए तब तक हंसो, जब तक पेट में बल न पड़ जाए तब तक हंसो। हंसो भाई हंसो, खुशहाली के आंगन में हंसो, खुशहाली के आंगन में बसो, खूब हंसो, हंसो 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 हंसो। भिड़े मास्टर, सोसाइटी के टेंशन को छोड़ के हंसो। अरे जेठा भाई, दुकान की टेंशन को छोड़ो और हंसो। अरे पुपटलाल, तुम्हारी शादी हो जाएगी, थोड़ा हंसो तो सही। अंजलि भाभी, मेहता साहब के डाइट को दो घड़ी भूल के हंसिए। रोशन भाभी, सोडी पार्टी शार्टी नहीं करेगा, उसकी चिंता छोड़ के हंसिए। टप्पू सेना, हंसते खेलते पढ़ाई करो, सब टेंशन छोड़ो, हंसो। सब लोग हंसो, खूब हंसो। वादी भाई वाह, देखो ये पूरी कायनात हंस रही है, ये चंद्रमा, तारे, फूल, पौधे, नदियां, सागर, बादल, सब हंस रहे हैं। अपनी आंखें खोलो, कुदरत का नजारा देखो और हंसो। इसी में तंदुरुस्ती है, इसी में ध्यान है, इसी में पूजा है, और इसी में परम शांति और संतुष्टि है। सही बात है, चाहे कितना भी दुख आ जाए आनंद में ही रहिए, आनंद से ही परमात्मा का अनुभव हो सकता है। वाह आदि भाई वाह, किसी शायर ने खूब कहा, या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। क्या बात है, वाह वाह।
तो इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद अब बारी उनकी आती है जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनको मिलने से सबके चेहरों पर मुस्कान आती है और सबको बढ़िया खाना खिलाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जब वो गरबा घूमती हैं, तो अपने साथ धरती अंबर घुमा देती हैं। तो हम स्वागत करते हैं अपनी प्यारी दया भाभी का। क्या अभी तो बता क्या बनने वाली है? अब देखिए ना। मैं धन संपदा, शांति, समृद्धि, सौंदर्य, प्रसन्नता एवं श्री विष्णु जी की पत्नी महालक्ष्मी हूँ। आजकल मनुष्य लक्ष्मी जी शब्द का उपयोग संपत्ति के लिए करते हैं, लेकिन केवल संपत्ति या धन का संचय करने से ही लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं होती। उल्टा सद्बुद्धि के अभाव में अधिक संपत्ति या धन मनुष्य को विलासी या अहंकारी बना देता है। सही बात। जिनके पास धन है उन्हें केवल धनवान कहा जाता है, लेकिन जिनके पास धन है और वो उसका उपयोग सत्कर्मों के लिए करता है उसे श्रीमंत कहा जाता है। इसलिए पुरुषार्थ कीजिए, सत्कर्म कीजिए और श्रीमंत बनिए। मेरे आशीर्वाद मेरे भक्तों के साथ सदैव रहेंगे। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। आप लोगों ने जिस उत्साह और उमंग से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो उसके लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आसिता अंकल को थैंक यू कहना चाहूंगी कि वो अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे बीच यहाँ आए। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ मंच पर आए और आज के विजेता का नाम घोषित करें। तो गोकुलधाम वालों, एक बात आप लोगों को मैं दिल से कहना चाहूंगा। इतनी सुंदर और अनोखी वेशभूषा मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखी। कितना सुंदर अनुभव था, वाकई ये दिव्य वेशभूषा थी। कितने सारे देवी देवताओं और दिव्य विभूतियों के दर्शन हो गए। ये गोकुल धाम तीर्थ धाम हो गया, बहुत मजा आ गया। अरे थैंक यू। आज की शाम का सबसे कठिन कार्य मुझे दिया गया है। टप्पू ने तो मुझे यहाँ जज बना के बिठा दिया। इतने सारे देवी देवताओं और संत महात्माओं में से किसको अवार्ड दूं भाई, ये बहुत कठिन कार्य है। मुझे टेंशन हो रहा है, अगर मैंने गणेश जी को अवार्ड दे दिया और भोलेनाथ गुस्सा हो गए, तो सरस्वती माता को अवार्ड दे दिया और लक्ष्मी मैया रूठ गई, तो माँ अंबा को अवार्ड दे दिया और माँ काली कोपायमान हो गई, तो राधे कृष्ण और भगवान राम और सीता दोनों में से भला मैं कैसे किसको चुन सकता हूँ? और हनुमान जी अगर वो गुस्सा हो गए, तो लाफिंग बुद्धा को चुनने गया और भगवान शनि की दृष्टि वक्र हो गई, तो जीसस और साई बाबा, ये दोनों में से मैं कैसे किसी को चुन सकता हूँ? अगर मैंने आम आदमी को अवार्ड दिया और सारे भगवान कोपायमान हो गए, तो नहीं भाई नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ। अरे आसित भाई ऐसे कैसे चलेगा, और ये तो स्पर्धा थी ना, और आप तो जज है, किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा ना। सॉरी सॉरी,
मैं कोई देवी देवताओं से संत महात्माओं से पंगा नहीं ले सकता हूँ। सर्व देव नमस्कार, मुझे जवाबदारी से मुक्त करिए। सॉरी। ऐसे कैसे? आसिफ भाई आप जज हैं, आपको किसी एक को सुनना ही पड़ेगा। आसिफ भाई अपना फैसला सुनाइए जज साहब, इस रुके हुए फैसले को सुनाइए जज साहब, सुनाइए। अभी कैसे करूं? कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं भाई, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं अभी उसमें? चलो तो मैं अपने निर्णय पे आता हूँ। लेकिन उसके पहले टप्पू और सोनू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लोग भी विजेता हो सकते हैं, आप वहां जाइए। तो आप सब लोग तैयार है? आज की शाम की दिव्य वेशभूषा स्पर्धा का विजेता कौन है बता दू? देखो भाई, आप गोकुलधाम वाले हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अवार्ड किसी को भी मिले कोई दुखी मत होना, ठीक है? तो मैं विजेता घोषित करूं? अरे करो भाई। चलो, आज की शाम का विजेता है जिसने इतना सुंदर परफॉर्मेंस किया, इतनी सुंदर अकल्पनीय वेशभूषा की, और यह संदेश दिया कि सारे देवी देवता उसके हृदय में समाये हुए हैं, वो है आम इंसान, आम आदमी जेठालाल। और भिड़े भाई, वो मतलब टाई हो गया। अच्छा, चंपकलाल गड़ा बाबूजी, राय पत्रकार पोपटलाल, मेहता साहब, अंजलि भाभी, अब्दुल, नट्टू काका, बागा, बाउरी, हाथी भाई, कोमल भाभी, रोशन एंड रोशन, माधवी भाभी, अय्यर एंड बबीता, गोली, गोगी, पिंकू। आसिफ भाई आप तो सभी के नाम ले रहे हैं। अरे भाई गोकुलधाम वालों, ये दिव्य वेशभूषा के विजेता पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है। आप सब लोग विजेता है और यही मेरा निर्णय है। सब लोग आगे आइए। अरे आइए भाई, अरे अपने लिए तालियां बजा दो। मोदी ने बिल्कुल सही किया, इस दिव्य वेशभूषा स्पर्धा में हम सभी को इनाम दे दिया, सभी को विजेता घोषित किया। आप खुद सोचिए, आप उनकी जगह होते तो क्या करते, आप किसे पारितोषिक देते? इसलिए उनका निर्णय बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि हम सभी इस पुरस्कार के योग्य हैं। वैसे भी भारत सर्वधर्म संभाव का देश है, हम गोकुलधाम को मिनी हिंदुस्तान कहते हैं, एक छोटा भारत कहते हैं, तो इस छोटे भारत में सभी लोग समान हैं, सभी लोग बराबर हैं, और इसी नीति पे चलते हुए उन्होंने सभी को ये पुरस्कार दिया, हम सभी को ये पुरस्कार खुशियां दे गया, उनका निर्णय बहुत खुशी दे गया। लेकिन यहाँ ये खुशी, हंसी और ठहाव का माहौल यूं ही बना रहेगा, बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.